तो यहाँ पे दोस्तों आप CSC के माध्यम से अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको CSC में अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे सामने हमारा जो CSC डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से ये जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे आपको सर्च करना है पासपोर्ट सर्विसेज, वहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपने जो पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट करनी होती है। आपके नजदीक में जो भी सेंटर है पासपोर्ट का वो आपको यहाँ पे सही तरीके से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से गो टू पासपोर्ट सेवा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम न्यू पासपोर्ट बनाने वाले हैं, इसके लिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने पासपोर्ट टाइप का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर आप न्यू पासपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप तत्काल में पासपोर्ट मंगाना चाहते हैं तो तत्काल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर नॉर्मली है तो आपको नॉर्मल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप कितने पेजेस का पासपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अगर आपका जो ट्रैवल ज्यादा है तो आपको 60 पेज वाला पासपोर्ट बनाना चाहिए, अगर आपका ट्रैवलिंग कम है तो आपको 36 पेज वाला पासपोर्ट क्रिएट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे 36 पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर नेम लिख देना है। यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल को सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये जो ऑप्शन है, अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो आप यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका दूसरा कोई नाम नहीं है तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। आपने कभी भी अपना नेम चेंज किया है, अगर नेम चेंज किया होगा तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो बर्थ डेट है वो ये कैलेंडर में सिलेक्ट करके आपको बर्थ डेट टाइप कर देने हैं यहाँ पे। इसके बाद ये जो ऑप्शन है, अगर आपका बर्थ आउट ऑफ कंट्री में हुआ है तो आपको यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर आपका बर्थ इंडिया में ही हुआ है नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका बर्थ प्लेस है वो टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आपका जो स्टेट है वो स्टेट को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सही तरीके से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मेरिटेटल स्टेट में आपको सिलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है, अगर आप मेरिट है तो मेरिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अनमेरिट है तो अनमेरिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो आप इंडिया में कब से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम जन्म से रह रहे हैं तो सिंपल से हम बर्थ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सही तरीके से आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो टाइप कर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है तो आप नहीं टाइप करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वोटर कार्ड आईडी है, अगर आपके पास वोटर कार्ड आईडी है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को सिलेक्ट कर देंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप बच्चे का पासपोर्ट बना रहे हैं तो बच्चे के जो पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर बच्चे के जो पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है वो सही तरीके से सिलेक्ट कर देनी है। तो हमारी जो एजुकेशन है वो दोस्तों हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिया गया है कि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में नहीं आते तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति है जो नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं इसको चेक करने के लिए क्लिक हियर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो नॉन ईसीआर कैटेगरी है उसका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, वो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लोज के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं आते तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आप
आपके बॉडी पर जो मार्क है वो मार्क आपको यहाँ पे सही तरीके से टाइप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर सही तरीके से टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से सेव माई डिटेल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल है वो सही तरीके से सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपकी जो फैमिली डिटेल है वो यहाँ पे टाइप करनी होती है। तो आपके फादर का जो नेम है, फर्स्ट नेम है, वो फादर का आप यहाँ पे टाइप करेंगे और मिडिल नेम है वो भी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और आपके जो फादर का सर नेम है वो आपको यहाँ पे नीचे टाइप कर देना है। इसके बाद आपका ये मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद आपका जो मदर का सर नेम है वो आपको यहाँ पे नीचे टाइप कर देना है। अगर आपका कोई लीगल गार्डियन है उसका नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसका सर नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो गार्डियन का ऑप्शन है वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से सेव माई डिटेल के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आपकी जो फैमिली डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एड्रेस का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सही तरीके से आपका जो रेसिडेंट एड्रेस है वो टाइप करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप आउट ऑफ इंडिया से है तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो यहाँ पे नो के ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आपका जो हाउस नंबर है वो टाइप कर देना है। आपका जो मोहल्ला है, आपकी जो गली है, वो आपको यहाँ पे सही तरीके से टाइप करना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आपका जो विलेज है वो विलेज को आपको सही तरीके से टाइप करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो स्टेट को आपको यहाँ पे सही तरीके से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नीचे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो पुलिस स्टेशन है, आपका नजदीक में जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो हमारा जो पुलिस स्टेशन है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आपका जो सही पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर को सही तरीके से टाइप करना है। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। तो आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा परमानेंट एड्रेस है तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर से आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो परमानेंट एड्रेस से उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे मांगी जाती है। तो हमने आगे बताया वैसे ही आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस सही तरीके से टाइप कर देना है। तो हमारा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो हम यहाँ पे यस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से सेव माई डिटेल के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, जिससे आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट फॉर पासपोर्ट सेवा। तो आपके मोबाइल फोन में SMS के माध्यम से पासपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाती है तो आपको यहाँ पे सिंपल से ओके के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको ओके के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। तो आप जो भी इंसान का इमरजेंसी कॉन्टेक्ट टाइप करना चाहते हैं उसका पूरा एड्रेस और नेम आपको यहाँ पे टाइप करना होता है और आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर में टाइप करना होता है। इसके बाद इसका टेलीफोन नंबर है, अगर आपके पास है तो टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद ऊपर आपने जो नाम लिखा है इसके पास जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव माई डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए है वो सही तरीके से सिलेक्ट करने होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, अगर आप टिबेटियन और स्टेटलेट पर्सन है और इंडिया के द्वारा आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो आप यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है और आप परमानेंट इंडियन है तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट है तो आपको यहाँ पे डिटेल अवेलेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई भी पासवर्ड नहीं है तो सिंपल से डिटेल नॉट अवेलेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, आपने पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट
पासपोर्ट अप्लाई किया है और आपको पासपोर्ट नहीं दिया गया है तो आपको यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और आपने कभी भी पासपोर्ट को अप्लाई नहीं किया है तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से सेव माई डिटेल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अदर डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सही तरीके से सिलेक्ट करने होते हैं। तो मोस्ट ऑफली आपका जो आंसर आएगा वो नो ही आएगा, क्योंकि ये पासपोर्ट से रिलेटेड कोई क्रिमिनल के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपके जो कस्टमर होते हैं उसको पूछ के ये पढ़ना होता है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करते दोस्तों आपके सामने पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट किस प्रकार से दिखेगा वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपका नेम है, बर्थ डेट है, और सारी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपके पासपोर्ट में यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज का फोटो आएगा, और नीचे आपके जो सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये आपका पासपोर्ट प्रीव्यू है, वो आप सिर्फ देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका पासपोर्ट बनेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे आ जाना है। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ में हमारा आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, तो सिंपल से ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ का, तो सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो सिलेक्ट कर देना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आधार कार्ड को ही सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से आपका जो प्लेस है वो प्लेस टाइप कर देना है, और यहाँ पे आपकी जो डेट है वो आ चुकी है। इसके बाद आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सेव माई डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो सेव हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों सभी डिटेल फिल हो जाने के बाद आपको कुछ पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एंड सबमिट का एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप सीएससी के माध्यम से पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेमेंट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पासवर्ड टाइप कर देना है, इसके बाद वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आपका जो वॉलेट पिन है वो टाइप कर देना है, इसके बाद पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे 1500 रुपए का पेमेंट आपको पासपोर्ट ऑफिस में करना होता है, और आपको एक शेड्यूल में अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। जो भी आप तारीख रखना चाहते हैं वो तारीख को आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाके वेरिफिकेशन करना होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1500 रुपए का पेमेंट करना होता है। तो सिंपल से आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना है, तो सिंपल से हम स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आपको अपना लोकेशन सिलेक्ट करना है, आपकी जो पासपोर्ट ऑफिस है वो कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो आपके नजदीक में जो भी पासपोर्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 1500 रुपए का पेमेंट करना होता है। तो 1500 रुपए का पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने ओपन हो चुका है पेमेंट का पेज। तो फिलहाल हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI को सिलेक्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं और QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम QR कोड से पेमेंट करेंगे, तो ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने QR कोड ओपन हो चुका है। इसको आपके मोबाइल फोन में जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे या फिर अदर कोई भी एप्लीकेशन, इसको आप स्कैन कर लेंगे। जो भी एप्लीकेशन है उसमें से आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज ओपन हो चुका है कि आपका जो पेमेंट है वो सही तरीके से हो चुका है। अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो भी सही तरीके से बुक हो चुकी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्रिंट आउट को डाउनलोड कर लेना है। ये प्रिंट आउट आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, और इसके साथ आपको जो प्रिंट आउट मिला है और आपका आधार कार्ड है, आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है और आपका जो बर्थ प्रूफ आपने जो सबमिट किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपकी जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना होगा और उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद 10 से 15 दिनों के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।